बट बजाज का आफ्टर सेल्स ऐसा है ना, वहाँ का स्पेशली बहुत सारे मेरे दोस्त है जिनके पास और भी दूसरी बाइक्स भी थी ना, उनका बजाज सर्विस सेंटर जाने के बाद इश्यूज चालू हो गए जो पहले नहीं थे। आपको एक स्पोर्टी बाइक चाहिए थी और आपका बजट कम था ना, तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज आपके लिए बन जाता है कि यार इतने कम पैसे में आपको बजाज कंपनी 150cc की बाइक प्रोवाइड कर रहा है। हाय गाइस, आज हमारे साथ एक लेजेंडरी बाइक है फ्रॉम बजाज कंपनी और ये बजाज का वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड प्रोडक्ट है जो पास्ट 23 ईयर से इंडियन मार्केट में रूल कर रहा है। बट जहाँ पर यंगस्टर्स की बात आती है ना, वो आज की तारीख में प्रीफर करते हैं कि यार हमारे पास एक ऐसी बाइक हो जो ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक भी लगे, साथ ही में ज़्यादा फीचर ओरिएंटेड हो। बट ये बाइक कौन लेता है? एक मैच्योर ऑडियंस लेती है जिन्हें आज भी ओल्ड स्कूल लुक्स पसंद है। बट अगर नए साल में आपने भी पल्सर 150 को एक ऑप्शन रखा है तो ये बाइक कैसी रहने वाली है, स्पेशली इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है, ये हम आज की वीडियो में बताने वाले हैं। बिकॉज लास्ट मंथ ही मैंने इस बाइक पर डिटेल राइड वीडियो बनाई है, साथ ही में बहुत सारा कॉन्टेंट लाइक माइलेज टेस्ट, हाई स्पीड टेस्ट इस बाइक पर देखने को मिल जाएगा। बट जेन्युइन प्रोज एंड कॉन्स आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। हमारे प्रोज एंड कॉन्स है। सबसे पहले मैं आपके साथ प्रोज शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहला पॉजिटिव इस बाइक को लेने के लिए बन जाता है वो है मोस्ट अफोर्डेबल 150cc बाइक, या फिर आप बोल लो चीपेस्ट 150cc बाइक। गाइस, इंडिया की सबसे सस्ती 150cc बाइक रहने वाली है जो कि सिर्फ आपको 1,10,000 रुपीज़ की एक्शोरूम प्राइस पे मिल जाती है। इंडियन मार्केट में आप जितनी भी बाइक्स देख लोगे ना, भले यूनिकॉर्न देख लो, SP160 या फिर जितनी भी बाइक आती है ना, मतलब इतने दमदार इंजन वाली बाइक आपको इतने कम प्राइस पॉइंट पे मिल रही है, तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाता है। आपको एक स्पोर्टी बाइक चाहिए थी और आपका बजट कम था ना, तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज आपके लिए बन जाता है कि यार इतने कम पैसे में आपको बजाज कंपनी 150cc की बाइक प्रोवाइड कर रहा है। हमारे सेकेंड पॉजिटिव की ओर बढ़ते हैं, वो है मोस्ट रिलायबल एंड कम्फर्टेबल बाइक। अब जिस प्राइस पॉइंट पे बाइक आती है, मोस्ट वैल्यू फॉर मनी तो जरूर है, बट ये इतनी कंफर्टेबल है जैसा कि आप देख सकते हो। आप इसको मल्टीपर्पज यूज कर सकते हो, लाइक आपको अगर हाईवे पे चलाना है हाईवे आप चला सकते हो, कहीं अप डाउन के पर्पज से यूज करना है वो भी कर सकते हो, साथ ही में आपको अगर फैमिली के साथ कम्यूट करना है, अपनी वाइफ को बच्चों को बिठाना है ना, तो आप इजीली इस बाइक पे बिठा सकते हो। कौन सी भी गाड़ी अगर 23 साल से इंडियन मार्केट में है तो उसकी रिलायबिलिटी के ऊपर तो क्वेश्चन ही नहीं उठता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो कहीं ना कहीं आपके लिए मोस्ट कंफर्टेबल एंड रिलायबल बाइक रहने वाली है। तो हमारे तीसरे पॉजिटिव की बात करें, वो आ जाता है पावर एंड बिल्ड क्वालिटी। 149cc का आपको इसमें इंजन मिलता है जो कि 14 PS की पावर एंड 13.25 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करती है। नो डाउट आपको काफ़ी पावरफुल ये गाड़ी फील होने वाली है। इतनी पावर आपको मिल रही है इतने कम पैसे में, बट कहीं भी बजाज ने कॉस्ट कटिंग नहीं करी है। आप इस बाइक को देखोगे ना, सब अधिकतर आपको मेटल मिलता है जो कहीं ना कहीं इसकी बिल्ड क्वालिटी सेगमेंट में सबसे अच्छी बना देती है। अब जितनी भी 150cc या 155cc या फिर आप 160cc बाइक्स भी देखोगे ना, सबकी बिल्ड क्वालिटी काय से पता लगती है, वो है वेट। अब इस गाड़ी का वेट है 150 kg, कहीं ना कहीं वो इसकी बिल्ड क्वालिटी को दर्शाता है। और आप हाईवेज पे चला लो, सिटी में चला लो, स्टेबिलिटी नेक्स्ट लेवल रहने वाली है। पावरफुल एंड अच्छी बिल्ड क्वालिटी वाली बाइक चाहिए थी कम पैसे में, देन ये आपके लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव बनने वाला है। अब चौथा पॉजिटिव आ जाता है फॉर श्योर माइलेज। अब ये 150cc की एक ऐसी बाइक है जो आपको आराम से 45 से 50 तक का माइलेज सिटी में देने वाली है। साथ ही में जहाँ पर हाईवे की बात आती है, मैं ऑलरेडी इस पर हाई स्पीड माइलेज टेस्ट कर चुका हूँ, बट इकोनॉमी पे आपको आराम से 55 तक का माइलेज ये गाड़ी दे देगी। आज की तारीख में ऐसा है ना, जो कोई पावर के लिए जाता है उसको माइलेज में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, जो कोई माइलेज के लिए जाता है उसको पावर में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। बट ये गाड़ी आपको 1,10,000 में मिल जाती है, बट अभी जो मैं वेरियंट राइड कर रहा हूँ वो ये 1,15,000 रुपीज़ का ट्विन डिस्क वेरियंट है। 150 kg के वेट के साथ काफ़ी स्टेबल लगती है बाइक, और मैं कितनी भी 70-80 चला लूँ मुझे आराम से अच्छा माइलेज ये गाड़ी देने वाली है। तो फाइनली लास्ट पॉजिटिव की ओर बढ़ते हैं इसके, वो है लो मेंटेनेंस। अब ये बाइक आप लोग है ना, बजाज की जब भी बाइक की बात आती है लो मेंटेनेंस तो दिमाग में आ ही जाता है। अब देखो 125cc अगर आप ले रहे हो ना, तो सेम 150 जैसी दिखती है, इसलिए 125 सबसे ज़्यादा बिक रही है। 150 अभी कोई लेता नहीं है, ज़्यादा लोग नहीं लेते, जैसा कि मैंने बताया एक लिमिटेड ऑडियंस है। बिकॉज आपको बजाज कंपनी से ही N150 एक ऑप्शन मिल जाता है। P150 आता था वो तो डिसकंटिन्यू कर दिया है, तो N150 एक ऑप्शन है अगर आपको ज़्यादा स्पोर्टी लुक्स चाहिए। बट जहाँ इसकी बात आती है ना, इस गाड़ी को अगर आप सर्विस कराने जा रहे हो, कभी भी आपकी जेब पे भारी नहीं पड़ने वाली। और जहाँ पर स्पेयर्स की भी बात आती है ना, स्पेयर्स भी इसके काफ़ी कम पैसे में आपको मिल जाएंगे। तो एज सच आपको कभी भी इसकी मेंटेनेंस करना है, मास्क बदलाना है, ब्रेक पैड्स बदलाने हैं, तो कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार मैंने गाड़ी तो सस्ती ले ली बट इसका मेंटेनेंस इतना हाई है। तो ये बहुत बड़े एडवांटेज हो जाते हैं
अगर आप एक बाइक लेने का प्लान कर रहे हो। सब देखो, हमने पॉजिटिव्स तो आपके साथ शेयर कर दिए, अब जहाँ बात आती है नेगेटिव्स की, क्या कुछ नेगेटिव्स बन जाते हैं इस बाइक के, जेन्युइन नेगेटिव्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और ऐसा भी हो सकता है कुछ ओनर्स जो पल्सर 150 ओन करते हो उन्हें नेगेटिव्स ना भी लगे, बिकॉज वो टोटली डिपेंड करता है कि यार आप आपकी बाइक कैसी मेंटेन करते हो। साथ ही में मैं मेजॉरिटी को लेकर कॉमन नेगेटिव्स इसके बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहला नेगेटिव इसका आ जाता है, वो है वाइब्रेशन एंड नॉइस। अब देखो गाइस, पहले की टाइम की बात अलग थी, पहले लोगों को क्या चाहिए रहता था कि यार ऐसी गाड़ी हो जो ज्यादा रिलायबल हो, ज्यादा अच्छा माइलेज दे दे, तब लोग रिफाइनमेंट जैसे वर्ड से अवेयर नहीं थे। बट आज की तारीख में इतनी रिफाइंड एंड स्मूथ बाइक्स आ गई, तो लोगों को कहीं ना कहीं रिफाइनमेंट चाहिए। बट अगर मैं इसको हायर आरपीएम पे ले जाता हूँ ना, आपको हैंडल बार पे, फुटबैक्स पे ये वाइब्रेशन फील कराएगी। नो डाउट आप इकोनॉमी पे चला रहे हो, इजीली चला रहे हो, तो आपको कहीं भी ये वाइब्रेशन फील होने नहीं देती है। बट हायर आरपीएम्स पे आपको थोड़े वाइब्रेशन आएंगे और कहीं ना कहीं छोटे मोटे नॉइजेज और इश्यूज है ना, लाइक आप चेन से रिलेटेड ले लो या फिर कुछ ना कुछ पैनल गैप्स वाली बात, तो बजाज में ना हो ऐसा हो नहीं सकता। अब देखो, आप अगर टाइम टू टाइम सर्विस करा रहे हो, चेन का ध्यान रख रहे हो, पैनल्स को ध्यान रख रहे हो, तो ऐसे कोई इशू आएगा नहीं। बट ये कॉमन नेगेटिव था जो मैंने आपके साथ शेयर करा। सब सेकंड नेगेटिव आ जाता है बजाज की आफ्टर सेल्स। गाइस, स्पेशली अगर आप रूरल एरियाज में रह रहे हो ना, तो ये आपके लिए सबसे बड़ा नेगेटिव रहने वाला है, बिकॉज रूरल एरियाज में नो डाउट आपकी बाइक का भी काफ़ी रफ यूज रहने वाला है। आप कच्ची सड़कों पे चलाओगे, कुछ ना कुछ इश्यूज देखो बाइक में आते रहते हैं, भले ही वो कौन सी भी बाइक हो। बट बजाज का आफ्टर सेल्स ऐसा है ना, वहाँ का स्पेशली बहुत सारे मेरे दोस्त है जिनके पास और भी दूसरी बाइक्स भी थी ना, उनका बजाज सर्विस सेंटर जाने के बाद इश्यूज चालू हो गए जो पहले नहीं थे। तो कहीं ना कहीं आपको पर्सनली देखना पड़ेगा जिस डीलरशिप में आपकी पहचान है, आप आंखों के सामने रहकर सर्विस करा रहे हो या फिर पर्सनली देखकर करा रहे हो, तो ज़्यादा बेटर रहेगा, नहीं तो आफ्टर सेल से रिलेटेड आपको बजाज में शिकायत आ सकती है। और उसका भी एक रीज़न है, बिकॉज ये गाड़ी ऐसी है ना, मतलब बजाज की सारी बाइक्स, मतलब बजाज एक ऐसी कंपनी जो इंडियन मार्केट में बहुत ज़्यादा बाइक्स बेचती है। मतलब आप देखोगे तो शोरूम में ही कितनी डेली की पल्सर 125, सीटी 100, प्लेटिना वगैरह आ जाती होगी, पल्सर 150, N160, ये सब सक्सेसफुल बाइक्स है। और इतनी दिन भर में आ जाती है, तो कहीं ना कहीं वहाँ के सर्विस स्टाफ भी फटाफट करके देने के चक्कर में कुछ ना कुछ इश्यूज क्रिएट कर देता है। ज़्यादा कुछ नेगेटिव है नहीं, एक लास्ट नेगेटिव और बताना चाहूँगा। अब देखो, माना मैंने ये गाड़ी बिग भी इसलिए रही आज की तारीख में, और कंपनी ने चालू भी इसलिए रखी है जिनको ओल्ड स्कूल लुक चाहिए, उनको कुछ भी डिजिटल नहीं चाहिए, यही एनालॉग भी डिजिटल वाला मीटर अच्छा लगता है। बट कुछ फीचर्स इस बाइक में मिसिंग है। माना मैंने इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी जैसे सारे फीचर्स दे दिए, बट एक दो चेंजेस इस गाड़ी में करना चाहिए, वो तो ये है कि एक तो गियर इंडिकेशन इसमें दे देना चाहिए, जो कि सबसे नीडेड चीज़ है, अगर मैं सिटी में भी चला रहा हूँ तो मुझे काम आती है। और सेकेंड है, इसके हेडलैम्प सेटअप को चेंज कर देना चाहिए। नो डाउट हेडलैम्प सेटअप जो है हेलोजन, उसकी विजिबिलिटी अच्छी है, बट LED दे देंगे ना तो ज़्यादा बेटर नाइट में विजिबिलिटी मिलेगी। तो गाइस देखो, यही कुछ प्रोज एंड कॉन्स थे। ओवरऑल तो ये गाड़ी परफेक्ट है, और मेरे प्रोज एंड कॉन्स मायने भी नहीं रखाते हैं, बिकॉज 23 साल से जो गाड़ी इंडियन मार्केट में रूल कर रही है, वो खुद ही अपनी सक्सेस बता दी, खुद ही पल्सर अपने आप में एक ब्रांड बन चुकी है। तो ओवरऑल गाइस, यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो में मज़ा आया होगा। यहाँ तक देखिए, अच्छी लगी हो तो यार लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो मिलते हैं ऐसे एक इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट के साथ।